साबिता और गाइस आज के इस वीडियो में हम पार्टनरशिप फंडामेंटल के एमसीक्यूज करने वाले हैं और वो एमसीक्यूज करने वाले हैं गाइस जो बेसिक थ्योरी पर डिपेंड होते हैं जिनके बेस पर बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं तो हम उसके कांसेप्ट को भी समझते हुए चलेंगे ताकि सिर्फ ये वाले एमसीक्यूज नहीं इनसे बनने वाले हजारों एमसीक्यूज आप अटेम्प्ट कर सको तो सबसे पहले गाइस ये जो पीडीएफ है इसका ये आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगा जिसका नाम है तबिता मैसी क्लास ट्वेल्थ या फिर मेरी इंस्टाग्राम आई डी तबिता मैसी वहाँ से भी मिल जाएगा ठीक है सो so, सबसे पहले स्टार्ट करते फर्स्ट एमसीक्यू सी क्यू से गाइज आपको क्वेश्चन सुनना है यहाँ पर ऑप्शन लिखे हैं ठीक है इन दी एबसेंस ऑफ एग्रीमेंट अगर हमारा पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है पार्टनर्स आर नॉट इन टू पार्टनर्स को क्या नहीं मिलता गाइस पहला ऑप्शन सैलरी नहीं मिलती दूसरा कमीशन नहीं दिया जाएगा थर्ड ऑप्शन इक्वल शेयर इन प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा देन द फोर्थ ऑप्शन इज वो ए एंड बी तो गाइज जब भी हम लोगों का एग्रीमेंट नहीं होता है तो ना तो सैलरी दी जाती ना ही कमीशन दिया जाता ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राॅइंग चार्ज किया जाता ये कंपलसरी है मतलब लाइक like नहीं होता पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग कमीशन सैलरी और आई ओ सी आई ओ डी नहीं दिया जाता और प्रॉफिट इक्वली बढ़ता है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपको लग रहा है कि अगर एग्रीमेंट नहीं है तो ना तो सैलरी देते हैं ना कमीशन देते तो यानी कि फोर्थ यानी कि ए एंड बी दोनों नहीं देते जबकि इक्वल शेयर इन प्रॉफिट तो देते हैं एग्रीमेंट अगर नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है कि इक्वल शेयर दिया जाएगा तो इसमें कौन सा होगा ए एंड बी ठीक है सेकेंड गाइज है नंबर ऑफ पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में भी कितने हो सकते हैं गाइज पहला है मैक्सिमम दो मैक्सिमम दो तो हो ही नहीं सकते मिनिमम दो होते हैं कम से कम दो और ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं टेन हंड्रेड फिफ्टी कितने हो सकते हैं सो गाइस फिफ्टी मैक्सिमम फिफ्टी पार्टनर्स एक पार्टनरशिप फॉर्म में हो सकते हैं इसके बाद गाइस थर्ड क्वेश्चन लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर पार्टनर की लाइबिलिटी क्या होती है इसके ऑप्शन मैंने नहीं लिखे क्योंकि बहुत ईजी सा था लिमिटेड लाइबिलिटी होती है पार्टनर की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है डिमाइन बाय कोर्ट कोर्ट डिसाइड करेगा वाउ डिटरमाइन बाय पार्टनरशिप एक्ट पार्टनरशिप एक्ट डिसाइड करेगा सो so गाइज ना तो पार्टनरशिप एक्ट डिसाइड करता ना ही कोर्ट डिसाइड करता पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होती है अनलिमिटेड होती है राइट right? इसके बाद गाइस जो फोर्थ है हमारा उसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द पार्टनरशिप एक्ट इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर नहीं आती है पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमें गाइडलाइंस देता है राइट वो छह छह चीज़ें हैं जिस पर सेपरेट वीडियो बन चुकी है गाइज एक होता है सबसे पहला कि भाई हम आईओसी नहीं देंगे दूसरा ये कहता है आईओडी नहीं देंगे सैलरी कमीशन नहीं दिया जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन लोन सिक्स परसेंट पर एन से दिया जाएगा ठीक है ये पार्टनरशिप एक्ट कहता है करना है ऐसा अगर आप अपनी डीट नहीं बनाते तो यहाँ पर उन्होंने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन पार्टनरशिप एक्ट में इनमें से कौन सी चीज़ नहीं है तो भाई पार्टनरशिप एक्ट कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली देना चाहिए ठीक है दूसरा नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल यही पार्टनरशिप कहता है लोन पर सिक्स परसेंट पर एना इंटरेस्ट देना है ये भी पार्टनरशिप एक्ट कहता है ऑल ड्रॉइंग्स आर टू बी चार्ज ये पार्टनरशिप एक्ट नहीं कहता तो डी ऑप्शन होगा गाइज एक्ट के अकॉर्डिंग ये चीज़ नहीं होती एक्ट के अकॉर्डिंग आई ओ डी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं चार्ज करना चाहिए ठीक है ओके गाइज फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो है अंडर द फिक्स कैपिटल सिस्टम प्रॉफिट विल बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट किस हेड में जाता है देखो सबसे पहली चीज़ जब भी गाइस हम लोगों का दो टाइप का कैपिटल सिस्टम होता है एक फिक्स और दूसरा फ्लक्चुएटिंग फिक्स कैपिटल के अंदर हमारे दो अकाउंट बनते हैं फिक्स के अंदर कितने अकाउंट बनते हैं दो कैपिटल और दूसरा करेंट अकाउंट ठीक है कैपिटल में सिर्फ कैपिटल के एडजस्टमेंट आती है अगर एडिशनल लेके आए हो और विड्रॉल जो लेके चले गए इसके अलावा कैपिटल में और कोई ट्रांजेक्शन नहीं आती सिर्फ कैपिटल से आती है लेकिन करंट अकाउंट में प्रॉफिट लॉस सब कुछ आ, सब कुछ एक ही में आता है मतलब करंट में सारा कुछ आएगा प्रॉफिट लॉस सैलरी कमीशन सारा कहा जाएगा आपके करंट में किस सिस्टम में फिक्स्ड तो इन्होंने हमसे पूछा क्या है फिक्स कैपिटल सिस्टम के अंदर प्रॉफिट किस में जाता है करंट में कैपिटल में ड्राइंग में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो ये दो ऑप्शन तो खाली पीली दे रखे हैं करंट और कैपिटल में से गाइस जो ऑप्शन होगा वो होगा करंट में क्योंकि फिक्स कैपिटल सिस्टम के अकॉर्डिंग कैपिटल में सिर्फ कैपिटल जाती है और अगर कैपिटल प्लस होगी या माइनस होगी यानी कि एडिशनल कैपिटल आएगी या फिर विड्रॉल आएगा लेकिन उसके अलावा कोई भी चीज़ बिजनेस की होगी वो कहाँ जाएगी करंट में तो अगर प्रॉफिट है सैलरी है कमीशन है कहाँ जाएगा करंट में इसी के अपोजिट गाइज हमारा जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होता है उसमें सिर्फ एक अकाउंट बनता है कैपिटल और उसी में सारी ट्रांजेक्शन होती है यानी कि कैपिटल की भी और करंट अकाउंट की भी तो फ्लक्चुएटिंग के केस में हमें करंट अकाउंट बनाने की नीड नहीं होती हमारी सारी ट्रांजेक्शन किस में जाती है कैपिटल में जाती है तो ये चीज ध्यान रखनी है राइट ये हो गए गाइस पाँच तक क्वेश्चन सिक्स क्वेश्चन जो है वो थोड़ी कैलकुलेशन वाला है जिसमें उन्होंने बोला है कि नेट प्रॉफिट जो है कितना दे रखा है गाइज नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है ट्वेल्व थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ठीक है एक ट्वेल्व थाउजेंड सिक्स हंड्रेड प्रॉफिट दे रखा है मैनेजर इज इंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ फाइव परसेंट मैनेजर को कितना कमीशन मिल रहा है गाइज फाइव परसेंट ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन तो बिफोर और आफ्टर दो केस होते हैं आपको पता है बिफोर के केस में क्या करते हैं बारह हज़ार सौ का 5 अपॉन में हंड्रेड कर देते हैं राइट जबकि आफ्टर के केस में यही चीज़ क्या होती है बारह हज़ार सौ की फाइव अपॉन में हंड्रेड प्लस जो ऊपर टर्म होती है फाइव हो जाता है तो यहाँ पे इन्होंने बिफोर बोला है तो बिफोर में हम सिंपल कैलकुलेट कर देंगे सिक्स थर्टी तो ऑप्शन बी है सिक्स थर्टी ए था सिक्स हंड्रेड सिक्स फिफ्टी सिक्स एटी तो हमारा ऑप्शन बी था सिक्स थर्टी तो आपको ये कैलकुलेशन आनी चाहिए बिफोर एंड आफ्टर की जिसमें आपको क्या ध्यान रखते हैं बिफोर में हंड्रेड से डिवाइड होता है लेकिन आफ्टर में जो भी परसेंटेज होती है वो एडअप हो जाता है जिससे आप बहुत ईजिली निकाल सकते हो राइट गाइज़ अब इसके अलावा गाइज जो एक कंसेप्ट है जो कि मुझे आज की इस वीडियो में कवर करना है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का देखो द फॉर्म जो कि जो कि कोई भी फॉर्म होती है गाइस उसके लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है फर्म के नज़रिए से अगर हम देखें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है क्या है उनके लिए फर्म को ड्राइंग पर पैसा चार्ज करके उनको पैसा मिलता है उनके लिए वो इनकम है हमें ऑप्शन दिए थे कैपिटल पेमेंट है एक्सपेंस है कैपिटल रिसीट है इनकम है तो इनकम है बिकॉज कैपिटल पेमेंट कैपिटल रिसीट होता है लाइक like आप कोई एसेट खरीद रहे हो या आप लोन पे कर रहे हो वो सारी चीज़ें तो हम तो अपने पार्टनर्स से इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं एज अ फर्म हम चार्ज कर रहे हैं तो इनकम है अब गाइज जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की जो टेबल है वो आपको ज़रूर वीडियो भी देखनी चाहिए अगर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि हम लोगों की जो टेबल बनती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वो किस तरीके से बनती है देखो ये होता है मिडल ये होता है बिगनिंग ये होता है एंड राइट मिडल के लिए सिक्स मंथ्स यानी कि सिक्स मंथ्स अगर आप ड्राइंग विड्रॉ करते हो सिक्स मंथ्स के हिसाब से आपको चार्ज करना होता है अगर आप मिडल में विद्रॉ कर रहे हो ठीक है अब आ जाती है बात इसमें भी आप मंथली विड्रॉ करते हो गाइज क्वार्टरली करते हो या हाफ ईयरली करते हो ठीक है तो इसमें जैसे क्वेश्चन पूछा गया है इफ़ डेट ऑफ ड्रॉइंग ऑफ अ पार्टनर इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन अगर डेट ऑफ ड्राॅइंग नहीं दी क्वेश्चन में इंटरेस्ट इज चार्ज फॉर हाउ मच टाइम कभी भी गाइस अगर डेट गिवन नहीं होती ड्रॉइंग्स की तो सिर्फ छः महीने का इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको

क्वार्टरली में क्या होता है ये 1.5 से प्लस होता है तो 7.5 और ये 1.5 से माइनस हो जाता है तो यहाँ आ जाता है हमारा 4.5 पॉइंट हाफ ईयरली में 0.5 वाला यानी कि यही सिस्टम रखते हैं तो 3.5 एंड यहाँ आ जाता है 2.5 तो इसके ऊपर गाइस सेपरेट वीडियो भी है बट आप ये टेबल अगर याद कर लेते हो तो जो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जिसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे चार्ज करना है बहुत ईजिली दे सकते हो सिर्फ टेबल बनानी है और इसको आपको याद रखना है मंथली में पॉइंट ऐड होता है पॉइंट लेस होता है क्वार्टरली में वन पॉइंट ऐड होता है वन पॉइंट लेस होता है हाफ ईयरली सिक्स का हाफ होता है और पॉइंट फाइव ऐड पॉइंट फाइव लेस होता है तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन बस बहुत आसानी से कर सकते हो और गाइस जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में पर एन एम मैंशन नहीं होता तो होल ईयर चार्ज किया जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो ये भी चीज़ एक बहुत बड़ा मतलब इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राॅइंग के साथ टेन परसेंट पर एन एम वर्ड पर एन एम वर्ड नहीं है तो होल ईयर पर चार्ज करते हैं आई होप गाइज आपको ये कन्सेप्ट समझ आए होंगे क्योंकि इन पर बहुत सारे एम सी क्यूज़ बनते हैं बट बेसिक कंसेप्ट यही चीज़ें रहती हैं सो so, इनको क्लियर कर लोगे तो आगे के एम सी क्यूज आसानी से कर पाओगे थैंक यू